बहरहाल यूनुस खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज खुद ही जाके कह दे यार मैं वापस आना चाह रहा हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए, तो यार वो भी मेहरबानी कर दे। लेकिन कोच साहब की इतने जाज़बे नजर है कोच साहब के, यूनुस खान साहब के, उनको इतने अच्छे लगते हैं कि बड़े अच्छे टीम मैन है जी, बहुत शरीफ आदमी है भाई। शराफत का हमने क्या करना है जो पाकिस्तान को रन नहीं करके दे रहे हैं। लेकिन कबकार यूनुस साहब के अपने आइडियाज इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं जी, तीसरी दफा कोच बन रहे हैं जो पहली दफा कुछ नहीं कर पाया वो तीसरी दफा क्या कर लेगा, आप खुद सोचें। नहीं नहीं वो मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, वो दूसरों को मैनेज नहीं कर रहे, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। चार सालों से पूरा मिडिल ऑर्डर चेंज हो गया स्वयं मिसबाह के, अपने रन कर रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुजदिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा, इतना बुजदिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मिसबाह की ये किस किस्म का आदमी है। और वनडो ना आ जाए, फॉर्म अच्छी है, यूनुस को बचा ले, एक तो यूनुस खान साहब हमारे लिए अजाब बन के बैठ गए हैं, दूसरा अगर उसको खुद वनडो ना आ जाए, विकेट ही रोकनी है तो खुद आके रोक ले, अगर खुद ही कर ले। लेकिन इतनी सेल्फिशनेस की इंतहा है कि वो चार पे ही आएगा तहाँ पे फंसा हो पाकिस्तान, अपने 50-60 किए 90 बॉलों पे अपनी जगह बचाई, उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह मैच की समरी सुना के कच्ची पक्की अंग्रेजी बोल के, गंदी सी अंग्रेजी बोल के मोमेंटम टूट गया, वो चला गया, फीस नहीं आया, सारी ब्लेम गेम्स शुरू कर दी। ये तो कैरेक्टर है, कोई इनमें इतनी हिम्मत नहीं क्या जी मेरी, मैं बुरा खेला हूं, मैं नहीं, मुझे ऊपर आना चाहिए। तो एक दूसरे की पार्टियां, एक दूसरे की पार्टियां बचानी है। जहां से हमें लोग मिला करते थे आज वहां पे इतने गंदे तरीन लोग बैठे हुए पाकिस्तान के, गंदे तरीन, मैं क्या नाम लू, किस किस का नाम लू, मैं दिल टूट के ही रह गया। आज मैं इंडिया बैठा हुआ हूँ, अब इन लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था, अब हम हंसने के भी काबिल नहीं रहे इस पे कि यार इतना गंदा। 150, चलो 250 पे आउट हो जाओ, कोई 260 पे आउट हो जाओ, कुछ कोई मेहनत करके आउट हो जाओ। हम नहीं कहते कि ना हारो, हारो को लड़ाई करके तो हारो, लड़ाई कोई नहीं है। अहमद जैसा का आइडियल शायद अभी है, उठा के मारी जा रहे छोटे। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट जरा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दूं। ये इंटरव्यू नहीं था मिसबाह का, ये मैच समरी सुना रहा था कि जी मोमेंटम शिफ्ट हो गया, वो इधर चला गया, वो उधर। वो भाई हमको भी पता है तूने टीम क्यों हारी वो बता भाई, हमें ये ना बता कि हफीज चला गया, अजमल चला गया, वो हमको भी पता है चले गए, जो इन हैंड्स हो उनका बता क्या करना है। वो हमें ये बता यूनुस खान क्यों खेल रहा है, हमें ये बता हमें शहजाद क्यों ऐसे शॉट मार के खेल रहा है भाई, हमें ये बताओ कि 50 के बाद उमर अकमल क्यों आउट हो रहा है भाई, हमें ये बताओ हम वन डाउन क्यों नहीं खेल रहे, हमें मैच की समरी मत सुनाओ, ये मैच की समरी सुना रहा है हमें, हमें पागल बनाया हुआ है चार साल से मिसबाह ने, चार साल से पागल बनाया हुआ है, मैच की समरी सुना के निकल जाते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह गाइस हैव डन वेल, ये कोई बातें करने वाली यार। जब टीम हार के आए पहले राउंड से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि 92 में भी हम नीचे लगे थे, लेकिन 92 में कप्तान आपका ऐसा था जो आपको ऊपर ले गया अल्लाह की मदद से, वो इमरान खान था, यहाँ कौन सा इमरान खान है जो आपको ऊपर लेके जाएगा। कंपैरिजन कह रहे थे 92 के साथ कि पाकिस्तान टीम नीचे लगी हुई थी तो वो जी ऊपर आ गई और जीत गई, उसका कप्तान भी देखें, उसका कैलेपर भी देखें, उसकी सोच भी देखें, मिसबाह किधर, मिसबाह कहाँ, इमरान कहाँ, किधर कंपैरिजन करी जा रहे हैं, पागल हो गए सारे। तो इससे ये जाहिर होता है ये बड़ी ही बकवास किस्म की बैटिंग लाइनअप है, ना इनके पास टेक्निक है ना ही टैलेंट है इनके पास। पहली बात तो ये प्लीज अपने जहनों से निकाल दे, टैलेंटेड नहीं है ये, टैलेंटेड नहीं है ये, टैलेंटेड होते तो पाकिस्तान को मैच बना के देते। मैं 7 साल से देख रहा हूँ, एक मैच नहीं जिता सका, मुझे मैंने एग्जैक्ट कहा था ये 50 करके 60 पे आउट होगा। और फिर मिसबाह से क्या गिला करना जो वन डाउन नहीं आना चाहता, और यूनुस से क्या गिला करना जिसकी टेक्निक ही नहीं है, उसके अगर तो मैंने हाथ जोड़ दिए हैं कि वकार यूनुस का जो बेटा बना हुआ है 40 साल की उम्र में, उसको मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ खुदा रहा, पाकिस्तान पे भी रैम खा, अपने भी रैम खा, टेस्ट मैच में यूई मैच खेल जहां पे विकेटें आसान है, ना बॉल गिट्टे से ऊपर आता है ना स्पिन होता है, वहां खेलो जहां रन बना सकते हो, पागल ना बनाओ हमें।